नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ पारुल। दो बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और करेंगे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। कमलनाथ का जो खत है भोपाल से खबर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, पत्र लिखकर कोरोना को लेकर सुझाव दिए। सीएम शिवराज के पत्र का कमलनाथ ने जवाब दिया। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कोरोना को लेकर सुझाव दिए थे और अब एक बार फिर सीएम शिवराज ने पत्र का जवाब दिया है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सुझाव मांगा था वैभव सीएम ने और कमलनाथ की तरफ से सुझाव दिए भी गए थे, अब दोबारा से रिप्लाई किया गया है। ये लेटर पॉलिटिक्स के पीछे की कहानी या वाकई ये सुझाव मांगे गए हैं, अब उस पर कोई अमल होगा? ये लोगों से जो सुझाव मांगे जा रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई गंभीरता? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बात कर कोरोना के प्रति सुझाव मांगे थे और कोरोना को लेकर आज कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री शिवराज के नाम का एक पत्र है। उसमें उन्होंने 8-9 पॉइंट पर बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि घर घर जाकर लोगों को बताना होगा कि वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर जिस तरह की गफलत की स्थिति है और प्राइवेट अस्पतालों में भी बहुत धूत खसूट मची हुई है। जिस तरीके से हमने देखा, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि मध्य प्रदेश के जो अस्पताल है उसमें इलाज के लिए अस्पताल को छोड़िए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो तमाम तरह की समस्या है। मास्क को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री शिवराज को कमलनाथ ने अपने पत्र के माध्यम से 9 बिंदुओं पर जानकारी दी है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सभी उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाया जाए। इन्होंने बड़ी बात की है कमलनाथ ने अपने पत्र में कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाया जाए, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का जो काम रेट अतिथि से चल रहा है, कई जिलों में वैक्सीन नहीं है। रविवार को 15 जिलों में वैक्सीन नहीं थी, तो हालांकि सोमवार को थोड़ी सी स्थिति शहडोल और मुरैना में ही वैक्सीनेशन की कमी होने की बात सामने आई। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता रहे, घरों स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाए और लोगों को प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवाए, कोरोना को मात दें। इसके साथ ही जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो और जो राजनीतिक हो, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और केवल इस वक्त कोरोना पर ध्यान दिया जाए कि कोरोना को किस तरीके से कंट्रोल करना है। बिल्कुल, और अगर इन सुझाव पर अमल होता है, जाहिर है ये सारी चीजें चिंताजनक हैं ही और तमाम जो बिंदु हैं वो भी जाहिर है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बताए गए हैं, क्योंकि कोरोना कैसे फैलता है, किस तरह से हमें दूरियां रखनी पड़ती हैं, इन तमाम चीजों को सभी जानते हैं। अब अंततः जब ये सुझाव आ गए हैं उनके पास, तो सीएम शिवराज का भी कोई पत्र उनके पास पहुंचा है, उसके बारे में भी बताइए। फिलहाल अब से कुछ देर पहले ही ये जो मीडिया समन्वयक है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के, उनके द्वारा मीडिया को दिया गया है। तो अभी ये पत्र मुख्यमंत्री शिवराज तक पहुंचा ही है। पहले इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज जी पढ़ेंगे और किन बिंदुओं पर उन सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और किन बिंदुओं पर काम और क्या किया जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही फैसला लेना है कि कमलनाथ ने जो सुझाव दिए हैं वो कितने अनुकरणीय हैं और किन सुझावों को लेकर पहल भी करनी चाहिए। तो फिलहाल लेटर पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। 24 घंटे वो स्वास्थ्य आग्रह करेंगे प्रदेश की जनता से कोरोना वैक्सीनेशन में योगदान देने के साथ ही मास्क लगाए प्रदेश की जनता, इसको लेकर भी स्वास्थ्य का आग्रह किया जाएगा। तो कल शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पत्र का जवाब दे सकते हैं या फोन पर उनसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।